ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। नए साल यानी 2023 का आगाज हो चुका है। नए साल की प्रभात बेला पर डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल का कैमरा पहुंच गया हरियाणा में स्थित मां मनसा देवी के धाम, जहां श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। नए साल पर लोग हाथों में मां के लिए भेंट इत्यादि लिए मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, वो भी भगवती मां जगदम्बिका मां मनसा देवी की जय जयकार करते हुए। देखो आज हमारा जो अंग्रेजी साल है 2023, वो आज प्रवेश हो चुका है इतवार के दिन। और आज के इस शुभ अवसर पर हमारे प्रशासन ने बड़े अच्छे ढंग से व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु भगत माता के दर्शन करने के लिए आज मंदिर में आएंगे, उनके लिए हर प्रकार से व्यवस्था है सुचारू रूप से। लोग जो है हजारों ने लाखों की संख्या में आज शाम तक माता के दर्शन करने के लिए आएंगे और अपनी मनोकामना के लिए मन्नत मांगेंगे, अपने घर परिवार के लिए, अपने व्यवसाय व्यापार के लिए माता से अपने मनोकामना के लिए जो है प्रार्थना करेंगे यहाँ पर। और नए साल में सारे भक्तों को या पूरे देशवासियों को मैं माता की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि महामाई हर व्यक्ति को हर इंसान को दिन दुनी रात चौगुनी जो है उन्नति करे और लोगों के काम जो है सफलता को प्राप्त करे। जय माता की, बोल साचे दरबार के। डेली पोस्ट के संस्थान को, इस संस्था को माता मनसा देवी खूब वृद्धि दे, तरक्की दे, खुशियाँ प्रदान करे। पूरे भारत में देवी भगवती जगजननी के 51 शक्तिपीठ स्थापित हैं, लेकिन कहते हैं कि मनसा देवी का महत्व उन्हीं शक्तिपीठों जैसा ही है। ऐसा कहा जाता है कि मनसा देवी शक्तिपीठ का निर्माण आज से सैकड़ों साल पहले हुआ था और इसे मणिमाजरा के राजा गोपाल सिंह ने बनवाया था, वो भी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होने पर। इसका निर्माण 1815 में हुआ और राजा गोपाल सिंह ने अपनी देखरेख में इसके निर्माण का काम 4 साल में पूरा करवाया। और इतिहास बताता है कि राजा गोपाल सिंह के किले से लेकर मंदिर तक एक गुफा का निर्माण भी किया गया था, जो तकरीबन 3 किलोमीटर तक लंबी थी और रोज सुबह राजा अपनी रानी के साथ उसी गुफा से होते हुए सती के दर्शन पाने के लिए मंदिर पहुंचते और उस समय ये मंदिर सती के नाम से ही विख्यात था। और जब तक राजा दर्शन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ देवी की पूजा अर्चना पूरी नहीं कर लेते थे, तब तक मंदिर के कपाट नहीं खुलते थे और इसी कारण नए साल के दिन यहाँ भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। हर कोई नए साल के पहले दिन देवी के दर्शन पाता हुआ अपने आप को धन्य कर लेना चाहता है। सबको जय माता जी, नए साल के सबको लाख लाख बधाइयाँ। माता रानी सबके मनोकामना पूरी करें। बाकी जितना भी लोग हैं माता के दर्शन करने वाले देश विदेश में, सबको नए साल सबको बहुत बहुत मुबारक। ये जो संस्था है जो चैनल डेली पोस्ट का, उनको भी लाख लाख बधाइयाँ। माता रानी उनको भी चढ़ती कला पे रखें और उनके जितने भी काम करने वाले सबको नए साल की बधाइयाँ, मालक चढ़ती कला पे रखें। नए साल के आगमन पर लोग यही कामना करते हैं कि उनका पूरा साल खुशियों से भरा हो और इसीलिए नए साल पर धार्मिक स्थानों पर पहुंच लोग जहां अपने लिए मंगल की कामना करते हैं, तो वहीं भक्ति में सराबोर हो वे ईश्वर या देवी देवताओं का धन्यवाद करना भी नहीं भूलते। हर कोई अपने लिए और अपनों के लिए सुख की कामना करता हुआ मां मनसा के आगे नतमस्तक होता दिखाई पड़ा। आज मैं मनसा देवी के दरबार पर खड़ी आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। मां सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और आप सबको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हैं। सभी भक्तों को माता रानी की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे जो भी नव वर्ष पे आता है सबकी मनोकामना पूरी होती है। जो मांगो, इतनी ठंडी माता है, जो मर्जी मांगो आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आप भी भक्तों की इतनी भीड़ है, पर यहाँ प्रशासन का इतना अच्छा अरेंजमेंट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और मेरी सभी से गुजारिश है, सभी भक्त
माता के दर्शन करने ज़रूर आएँ। हम रोज़ आते हैं, सभी भक्त जरूर आएँ, माता रानी का आशीर्वाद लें, आशीर्वाद लेके अपना नया साल शुरू करें। मैं मनसा देवी माथा टेकने आई हूँ, नया साल का दिन है और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग यहाँ पे भगवान के दर्शन करने आए और सभी को तरक्की मिले इस साल, नया साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, शुभ हो और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू सो मच। न्यूज चैनल डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल भी यही कामना करता है कि माँ मनसा देवी भगवती सबका मंगल करें, सबकी झोली खुशियों से भरें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ डेली पोस्ट की ओर से अपने हर दर्शक को हैप्पी एंड हेल्दी न्यू ईयर, नया साल मुबारक। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा के लिए कैमरामैन बलजीत के साथ गगन नारंग की रिपोर्ट।